रजनी मन ही मन सोचती है, अब मैं कर्ण पिशाचनी से सब कुछ पूछ लूंगी। कर्ण पिशाचनी की गुस्से से भरी आवाज सुनाई देती है, चुप क्यों हो गई तू, पूछ जो पूछना है तुझे। रजनी घबराते हुए मन ही मन सोचने लग जाती है, ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि कर्ण पिशाचनी से लगातार सवाल पूछना पड़ता है, वरना वो गुस्सा होकर चली जाती है, और यदि वो एक बार गुस्सा होकर चली गई तो उसे दोबारा बुलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कर्ण पिशाचनी की गुस्सा अपने अंदर भरने की आवाज सुनाई देती है। रजनी मन ही मन हड़बड़ाहट के साथ सोचने लग जाती है, मुझे तुमसे पूछना है कि क्या यक्षिणी आजाद हो चुकी है जिसे सुदेश और दिलीप ने कैद कर दिया था। कर्ण पिशाचनी की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, हाँ, यक्षिणी आजाद हो चुकी है। कर्ण पिशाचनी का जवाब सुनकर रजनी और अमोदिता दोनों सहम जाती हैं। रजनी अगला सवाल मन में सोचती है, यक्षिणी को किसने आजाद किया कर्ण पिशाचनी। कर्ण पिशाचनी रजनी और अमोदिता के कानों में उसके सवाल का जवाब दे देती है। जवाब सुनकर अमोदिता झट से हैरानी के साथ कहती है, नहीं ये नहीं हो सकता। कर्ण पिशाचनी की आवाज सुनाई देती है, मैं कर्ण पिशाचनी हूँ, कोई इंसान नहीं कि तुम लोगों की तरह झूठ बोलूं। झूठ बोलना इंसानों की फितरत है, हम पिशाचनियों की नहीं। जो मैंने बोला वही सच है, कर्ण पिशाचनी कभी झूठ नहीं बोलती है। रजनी कर्ण पिशाचनी से अगला सवाल पूछती है, युग पर अमोदिता और मैंने मिलकर जो वशीकरण किया था उसे किसने तोड़ दिया था। कर्ण पिशाचनी इस सवाल का जवाब भी अमोदिता और रजनी के कानों में दे देती है। जैसे ही कर्ण पिशाचनी सवाल का जवाब देती है, अमोदिता झट से कर्ण पिशाचनी से सवाल पूछ लेती है, पर वो युग जी की मदद क्यों कर रही है, उसे युग जी की मदद करके क्या मिलेगा। कर्ण पिशाचनी की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, क्योंकि वो युग के साथ संभोग करना चाहती है, अपनी वासना को खत्म करना चाहती है, और युग ही उसकी वासना को खत्म कर सकता है। पहले वो युग को अपने प्यार में फंसाएगी, फिर अपना शिकार बनाएगी। अमोदिता बड़बड़ाती है, नहीं, मैं उसे मेरे युग जी के साथ ऐसा नहीं करने दूंगी। युग जी सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे, मैं उन्हें किसी और का नहीं होने दे सकती हूँ। कर्ण पिशाचनी कहती है, उसे कोई नहीं रोक सकता, युग उसके प्यार में फंस चुका है, बहुत जल्द उसे वो अपना शिकार बनाने वाली है। कर्ण पिशाचनी की बातें सुनकर अमोदिता डरने लग जाती है, वो इतनी डर जाती है कि वो कुछ सोच तक नहीं पा रही थी। रजनी मन ही मन सोचती है, मैंने इस अमोदिता की बच्ची को कर्ण पिशाचनी से कुछ भी पूछने के लिए मना किया था, पर ये सुनती कहाँ है। मुझे जल्द से जल्द कर्ण पिशाचनी से अपने सारे सवालों के जवाब पूछ लेने चाहिए। अभी तो बस वो कान के जरिए हमारी शरीर की शक्ति खींच रही है, अगर उसने हमारा खून पीना शुरू कर दिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। रजनी झट से कर्ण पिशाचनी से पूछती है, अगर यक्षिणी आजाद हो चुकी है तो फिर उसका अगला शिकार कौन है, कहीं वो मेरे पति सुदेश को तो अपना शिकार नहीं बनाने वाली, क्योंकि उसी ने यक्षिणी को कैद करने में दिलीप भैया की मदद करी थी। कर्ण पिशाचनी रजनी के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है, बस जोर जोर से हंसने लग जाती है। कर्ण पिशाचनी की हंसी इतनी खौफनाक थी कि उसे सुनते ही रजनी और अमोदिता के रोंगटे खड़े हो गए थे। रजनी हिचकिचाते हुए फिर कर्ण पिशाचनी से पूछती है, बोलो कर्ण पिशाचनी, तुम चुप क्यों हो गई, कहीं यक्षिणी का अगला शिकार मेरे पति तो नहीं है। कर्ण पिशाचनी अभी भी कुछ जवाब नहीं देती है, वो जोरों से हंसते रहती है। रजनी मन ही मन सोचने लग जाती है, ये कर्ण पिशाचनी मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रही, आखिर इसे हुआ क्या, कहीं अभी हमारा खून पीने की तैयारी तो नहीं कर रही, तभी हंसी जा रही है। अमोदिता भी शॉक्ड हो गई थी कि कर्ण पिशाचनी रजनी के सवाल का कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही थी। रजनी सोच ही रही थी कि कर्ण पिशाचनी उसके सवाल का कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही, तभी उसे याद आता है कि जो सवाल उसने पूछा है वो भविष्य में होने वाली घटना है, और कर्ण पिशाचनी भविष्य नहीं बता सकती। रजनी बड़बड़ाती है, मैं भी ना, पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया है, अब कर्ण पिशाचनी को थोड़ी पता हो सकता है कि यक्षिणी अपना अगला शिकार किसे बनाएगी, ये तो बस अतीत और वर्तमान के सवालों का जवाब दे सकती है। कुछ देर रजनी और अमोदिता दोनों ही कर्ण पिशाचनी से कुछ सवाल नहीं पूछते हैं, जिस कारण कर्ण पिशाचनी को गुस्सा आने लग जाता है। कर्ण पिशाचनी डरावनी आवाज में कहती है, पूछो पूछो सवाल पूछो, कर्ण पिशाचनी से सवाल पूछो, अपने मन के ख्याल पूछो। रजनी मन ही मन सोचने लग जाती है, मुझे जल्द से जल्द कर्ण पिशाचनी से कुछ ना कुछ पूछना पड़ेगा, वरना वो चली जाएगी, अब मैं इसे क्या पूछूं मैं इससे। रजनी ने सवाल तो बहुत सारे सोचकर रखे हुए थे कर्ण पिशाचनी से पूछने के लिए, पर उसकी डरावनी आवाज सुनकर वो सारे सवाल भूल गई थी कि उसे क्या क्या पूछना था। कर्ण पिशाचनी की खौफनाक हंसी और तेज हो जाती है, तहखाने के अंदर उसकी हंसी गूंजने लग गई थी। उसकी आवाज इतनी कठोर थी कि अमोदिता और रजनी के कानों में चुभने लग गई थी। रजनी और अमोदिता दोनों ने ही अपने हाथों से अपने कानों को बंद कर लिया था।
रजनी अपने आसपास देखते हुए सोचने लग जाती है कि वो कर्ण पिशाचनी से क्या पूछे। रजनी अपने आसपास देख ही रही थी कि तभी उसकी नजर उसके बगल में ही बेहोश पड़ी वंदना पर पड़ती है और उसे याद आता है कि वंदना को पता चल जाता था कि यक्षिणी क्या करने वाली है, आखिर कैसे। यही सवाल रजनी के दिमाग में घूमने लग जाता है। रजनी बड़बड़ाती है, हाँ मुझे कर्ण पिशाचनी से यही पूछना चाहिए। एक सवाल ये भी तो मैं सोचकर आई थी कर्ण पिशाचनी से पूछने के लिए। इतना कहकर रजनी कर्ण पिशाचनी से पूछती है, आखिर ये वंदना और यक्षिणी का एक दूसरे से क्या लेना देना है? वंदना को कैसे पता चल गया था कि मैं और अमोदिता मिलकर कर्ण पिशाचनी साधना करने वाले हैं? ये वंदना और यक्षिणी का आपस में क्या संबंध है? कर्ण पिशाचनी फुसफुसाते हुए जवाब देती है, उन दोनों के संबंध की वजह तू है रजनी। रजनी अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है, क्या कहा मैं, पर कैसे? कर्ण पिशाचनी हंसते हुए जवाब देती है, भूल गई विराट को किसने ग्रेवयार्ड को उठी भेजा था, वो भी अमावस्या की रात। जैसे ही कर्ण पिशाचनी ये बात बोलती है, रजनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है, उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। अमोदिता ये बात नोटिस कर लेती है और मन ही मन सोचती है, ये माँ को अचानक से क्या हो गया, ये इतना घबरा क्यों रही है? कहीं मेरा शक सही तो नहीं था, विराट भैया को माँ ने ही तो अपने काले जादू से नहीं मरवाया था। रजनी को डर सताने लग जाता है कि कहीं अमोदिता कर्ण पिशाचनी से उसके और विराट के बारे में ना पूछ ले, इसलिए वो बात को बदलने के लिए अगला सवाल पूछने का सोचने लग जाती है। रजनी कुछ सोच पाती उससे पहले ही अमोदिता झट से कर्ण पिशाचनी से पूछती है, कर्ण पिशाचनी बताओ मुझे, मेरी माँ ने विराट भैया के साथ क्या किया था? रजनी गुस्से से बड़बड़ाती है, इस अमोदिता के तो कुछ ज्यादा ही पढ़ निकल गए हैं, इस कर्ण पिशाचनी को जाने दो, फिर अमोदिता की बच्ची की अच्छे से क्लास लेती हूँ मैं। कर्ण पिशाचनी अमोदिता के सवाल का जवाब देती है, तेरी माँ ने ही विराट पर काला जादू किया था और उसे ग्रेवयार्ड को उठी जाने के लिए मजबूर किया था। बेचारी वंदना तो बार बार मना कर रही थी विराट को कि अमावस्या की रात ग्रेवयार्ड को उठी ना जाए, पर तेरी माँ ने उसे इतना सताया कि मजबूरन उसे ग्रेवयार्ड को उठी जाना पड़ा और वो मासूम यक्षिणी का शिकार बन गया। रजनी कर्ण पिशाचनी के सारे इल्जामों को खारिज करते हुए हकलाते हुए कहती है, तुम झूठ क्यों बोल रही हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रही हो। कर्ण पिशाचनी गुस्से के साथ कहती है, क्या कहा तूने, मैं झूठ बोल रही हूँ? तू शायद भूल रही है, मैं कर्ण पिशाचनी हूँ और कर्ण पिशाचनी कभी झूठ नहीं बोलती है। याद है या याद दिलाऊं विराट पर पुतली टोना करके किसने उसका पैर मरोड़ दिया था और उसे मजबूर किया था ग्रेवयार्ड कोठी जाने के लिए? कर्ण पिशाचनी की बात सुनकर अमोदिता मन ही मन सोचती है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि माँ ने विराट भैया के साथ ऐसा किया होगा, लगता है माँ ने मुझ पर भी पुतली टोना करके मेरा हाथ मरोड़ा होगा। अमोदिता की मन की बात रजनी सुन लेती है और उसे समझाते हुए कहती है, नहीं अमोदिता बेटा, ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अमोदिता रजनी को गुस्से से देखते हुए कहती है, माँ तुम झूठ बोल सकती हो पर कर्ण पिशाचनी नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती हो। रजनी रोते हुए कहती है, अमोदिता बेटा, ये सब मैंने अपने मतलब के लिए नहीं बल्कि तेरे ही लिए किया था। अमोदिता हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा माँ, तुमने मेरे मतलब के लिए? हाँ अमोदिता बेटा, मेरी बात का यकीन करो। नहीं माँ, अब मैं तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं कर सकती हूँ, तुमने मुझसे बहुत झूठ बोले हैं, अब मैं तुम पर और भरोसा नहीं कर सकती हूँ, तुम कातिल हो कातिल, तुमने मेरे विराट भैया को मारा है, तुम्हें पता है वो मुझसे कितना प्यार करते थे, तुमसे भी ज्यादा। रजनी रोते हुए कहती है, मैंने विराट को नहीं मारा है बेटा, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? रजनी गुस्से से कर्ण पिशाचनी पर चिल्लाते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रही हो कर्ण पिशाचनी, तुम ही बताओ मैंने विराट को कहां पर मारा? कर्ण पिशाचनी की आवाज सुनाई देती है, किसी को मौत के दरवाजे पर भेजना भी उसे एक प्रकार से मारना ही होता है, तुझे पता है जब विराट को तूने ग्रेवयार्ड कोठी भेजा था तो वहां पर उसके साथ क्या हुआ था? रजनी अभी भी गुस्से में थी क्योंकि कर्ण पिशाचनी की बातों ने अमोदिता को उससे दूर कर दिया था। रजनी अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहती है, मुझे क्या पता विराट के साथ वहां पर क्या हुआ था, मेरे पास तेरी तरह शक्तियां थोड़ी हैं जो किसी का भी अतीत जान लूं, अगर होती तो मैं तुझे यहां पर बुलाने की भूल कभी नहीं करती। कर्ण पिशाचनी फुसफुसाते हुए कहती है, अरे गुस्सा क्यों होती है, रुक मैं ही बताती हूँ तुम दोनों को उस रात विराट के साथ ग्रेवयार्ड कोठी में क्या हुआ था। कर्ण पिशाचनी ने यह बात बोली ही थी कि अमोदिता और रजनी की अपने आप आंखें बंद होने लग जाती हैं। वो दोनों अपनी आंखें खोलने की बहुत कोशिश कर रही थी पर खोल नहीं पा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन दोनों की आंखों को दबा कर रखा हुआ था। असल में कर्ण पिशाचनी ने ही अपनी शक्तियों से उनकी आंखों को बंद किया था।
जब अमोदिता और रजनी की आंखें बंद होती हैं तो वो दोनों देखती हैं कि उनकी आंखों के सामने विराट था। विराट साइकिल से डरते हुए कहीं जा रहा था। उसके पीछे वाली सीट पर एक कागजातों की फाइल रखी हुई थी। रात का वक्त था, उसके आसपास कोई नहीं था। वो अकेला ही साइकिल से कालाझाड़ी जंगल पार कर रहा था। विराट बहुत घबराया हुआ था। विराट साइकिल के पैडल मारते हुए कहता है, मुझे जल्द से जल्द ग्रेवयार्ड कोठी पहुंचना होगा और रजनी मामी का ये काम करवाना होगा। अगर रजनी मामी का ये काम नहीं हुआ तो पता नहीं वो मेरी वंदना के साथ क्या करेगी। मैं अपनी वंदना को कुछ नहीं होने दे सकता। मुझे अपनी वंदना को बचाना ही होगा। बेचारी मेरी वंदना कितना मना कर रही थी मुझे ग्रेवयार्ड कोठी में जाने के लिए, पर उसे कैसे बताता अगर मैं ग्रेवयार्ड कोठी नहीं जाता तो रजनी मामी मेरे साथ बुरा तो करती ही, साथ में उसे भी। इतना बोलकर विराट चुप हो जाता है। यही सब बड़बड़ाते हुए विराट ग्रेवयार्ड कोठी के पास पहुंच जाता है। वो कोठी के दरवाजे पर ही अपनी साइकिल को टेक देता है। ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था, जिस कारण विराट बिना देरी किए झट से अपनी फाइल अपने हाथ में पकड़ता है और ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुस जाता है। ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे तूफान के आने से पहले रहता है। ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर कोई नहीं था। विराट आवाज लगाता है, अनुराग चाचा, अनुराग चाचा कहाँ पर हैं आप? पर कोई जवाब नहीं आता है। विराट मन ही मन सोचता है कि अनुराग चाचा कहाँ पर हैं, कहीं वो बाहर तो नहीं चले गए। वैसे भी आज रात अमावस्या है और अमावस्या की रात कौन इस कोठी में रुकना चाहेगा। विराट सोच ही रहा था कि अनुराग कहाँ जा सकता है, तभी उसे टाइपराइटर के बटनों के दबने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। विराट टाइपराइटर की आवाज को सुनते हुए कहता है, ये आवाज तो ऊपर वाले कमरे से आ रही है, इसका मतलब चाचा ऊपर है, जरूर अपनी कोई कहानी लिख रहे होंगे। अक्सर लेखक लोगों को रात में ही लिखना तो पसंद होता है, अपनी तन्हाइयों के साथ। इतना कहकर विराट सीढ़ियां चढ़ने लग जाता है। जिस कमरे से टाइपराइटर की आवाज सुनाई दे रही थी, जब विराट उस कमरे के पास पहुंचता है तो देखता है कि उसने एकदम सही अंदाजा लगाया था। कमरे के अंदर अपनी कुर्सी पर बैठकर अनुराग बड़े ही मन लगाकर कहानी टाइप कर रहा था। उसकी टेबल पर ही एश ट्रे रखी हुई थी, जिसमें एक जली हुई सिगरेट रखी हुई थी, जिसका धुआं कमरे के अंदर चारों तरफ फैल रहा था। अनुराग इतना मन लगाकर कहानी लिख रहा था कि उसे पता ही नहीं चला था कि कमरे के अंदर विराट आ गया था। अनुराग ने अपनी आंखों में वही गोल चश्मा लगाया हुआ था जो युग को इस कमरे से मिला था। विराट कमरे के अंदर घुसते हुए कहता है, अनुराग चाचा, अनुराग चाचा। अनुराग अभी भी विराट की आवाज नहीं सुन पाया था। उसका पूरा ध्यान कहानी लिखने में था। उसकी उंगली टाइपराइटर पर बहुत स्पीड से चल रही थी, इतनी स्पीड से कि विराट का दिमाग भी उसकी उंगलियों को देखकर चकरा गया था। विराट समझ गया था कि अनुराग ऐसे नहीं उठने वाला, इसलिए वो उसकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगता है। करीब 5 मिनट तक अनुराग टाइप करते रहता है। जब अनुराग कहानी टाइप कर लेता है तो वो अपना चश्मा उतारता है और टेबल पर ही जली हुई सिगरेट को उठाता है और कश खींचने लग जाता है। अभी उसने एक कश खींचा ही था कि विराट बोल पड़ता है, अनुराग चाचा। अनुराग विराट की तरफ देखते हुए कहता है, अरे विराट बेटा तुम, वो भी इतनी रात को, सब ठीक तो है ना? अनुराग का सवाल सुनकर विराट घबराने लग जाता है। उसके समझ में नहीं आता कि वो अनुराग को कैसे बताए कि वो किस काम से आए हैं। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। अनुराग का सवाल सुनकर विराट घबराने लग जाता है। उसके समझ नहीं आता कि वो अनुराग को कैसे बताए कि वो किस काम से आए हैं। जब विराट कुछ जवाब नहीं देता है तो अनुराग विराट से फिर पूछता है, बोलो विराट तुम चुप क्यों हो गए, कैसे आना हुआ? विराट अपने साथ जो फाइल लेकर आया था अनुराग को वो फाइल दिखाते हुए कुछ कहने ही वाला था कि तभी अनुराग बोल पड़ता है, अरे मैं भी ना पूरा दिलीप भैया की तरह हो गया हूँ। तुम इतने दिनों बाद ग्रेवयार्ड कोठी आए हो और मैं हूँ कि तुमसे खाना पीने के बारे में छोड़कर ये पूछ रहा हूँ कि किस काम से आए हो। ये बातें तो बाद में होती रहेंगी, पहले बोलो क्या खाना पसंद करोगे? विराट अनुराग को मना करते हुए कहता है, अरे नहीं चाचा जी, वो मैं घर से खाना खाकर आया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? अनुराग अंगड़ाई लेते हुए कहता है, तुम मुझे देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि मैं एकदम मस्त हूँ और बहुत खुश हूँ। तुम बताओ विराट, तुम कैसे हो? विराट उदासी के साथ हिचकिचाते हुए कहता है, मैं भी ठीक हूँ चाचा जी। वैसे मैंने देखा आप बड़े ही लगन के साथ कुछ लिख रहे थे, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन सी कहानी लिख रहे हैं इस वक्त? अनुराग कुर्सी पर से खड़ा होता है और विराट के पास जाते हुए कहता है,
तुम्हें नहीं पता क्या मैं कौन सी कहानी लिख रहा हूँ? सारा गांव जानता है मेरी आने वाली किताब के बारे में। विराट धीरे से गंभीरता के साथ कहता है, मतलब जो मैंने सुना वो सच है, आप यक्षिणी की कहानी लिख रहे हैं। अनुराग विराट की बात से सहमत होते हुए कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, मैं यक्षिणी की ही कहानी लिख रहा हूँ। यक्षिणी एक डायन, देखना ये कहानी मेरी जिंदगी बदल देगी। विराट झट से कहता है, जिंदगी तो बदल ही दी है ना चाचा जी, इस कहानी के कारण आप अपनी पत्नी और अपने बच्चे को खो चुके हैं। अनुराग उखड़े हुए लहजे में कहता है, मैंने किसी को नहीं खोया है, हम खोते उसे हैं जो अपना होता है। मेरी पत्नी मेरी थी कब जो मैं उसे खोऊंगा, गलती मेरी ही है जो मैंने अपनी पत्नी को अपने आप से ज्यादा प्यार किया। वो तो अच्छा हुआ कि सही वक्त पर मेरी आंखें खुल गई, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। विराट धीरे से उदासी के साथ कहता है, जिंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी है ना चाचा जी, आप अकेले रहते हैं इतनी बड़ी ग्रेवयार्ड कोठी में। अनुराग अपने आसपास देखते हुए खुशी के साथ कहता है, किसने कहा मैं अकेला हूं यहाँ पर, मैं अपनी। इतना बोलकर अनुराग चुप हो जाता है। उसके चेहरे की एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुंह से कोई ऐसी बात निकलने वाली थी जो वो नहीं बोलना चाहता था। विराट इस बात को भांप लेता है और अनुराग को घूरते हुए उससे पूछता है, आप किसके साथ यहाँ पर रहते हैं, क्या चाची जी के सिवा भी कोई दूसरी औरत आपकी जिंदगी में आ गई है? अनुराग गुस्से के साथ कहता है, उस औरत को अपनी चाची मत बोलो विराट, अब वो मेरी पत्नी नहीं है, समझे तुम? मैं भुला चुका हूँ उसे, और तुम्हारे लिए भी यही अच्छा होगा कि तुम भी उसे भुला दो। ऐसा समझो वो औरत कभी हमारे परिवार का हिस्सा थी ही नहीं, उसने हमारे पूरे खानदान का नाम डुबो दिया। विराट अपनी नजरें उठाते हुए कहता है, ठीक है चाचा जी, अगर आप कहते हैं तो मैं चाची जी को भुला दूंगा, पर आप बताएंगे कौन सी वो नई औरत है जो आपकी जिंदगी में आ गई, जिसके साथ आप यहाँ पर रह रहे हैं? अनुराग और विराट जिस कमरे के अंदर थे उसके चारों तरफ करीब 1000 से भी ज्यादा किताबें बुक सेल्फ पर लगी हुई थी। अनुराग अपने हाथ से उन किताबों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, और किसके साथ रहूंगा विराट, एक लेखक के लिए उसकी किताबें ही उसकी जिंदगी होती हैं, उसका सब कुछ होता है। एक लेखक की जिंदगी पर उसकी पत्नी से भी पहले उसकी किताबों का हक होता है। सच तो ये है कि उसकी किताबें ही उसकी जिंदगी होती हैं। एक लेखक अपने जीवन में जितना वक्त अपनी पत्नी के साथ नहीं बिताता है, उससे कहीं ज्यादा वक्त अपनी किताबों के साथ बिताता है। किताबों को लेखक की पहली पत्नी कहना कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी। विराट तुरंत कहता है, वो सब मैं समझ रहा हूँ चाचा जी, पर किताबों को भी इतनी ज्यादा अहमियत क्या देना? आपकी इस यक्षिणी वाली किताब ने आपके बेटे युग को भी आपसे दूर कर दिया है, वो अकेला हो गया है बेचारा। अनुराग विराट की बात से असहमत होते हुए कहता है, किसने कहा कि मेरा बेटा युग अलग है? मैंने उसे हॉस्टल भेजा है पढ़ने के लिए, मैं खुद उसे छोड़कर आया हूँ, एक दिन वो भी अपने पिता का ये बलिदान समझेगा। देखना जब ये यक्षिणी वाली किताब आएगी मेरा कितना नाम होगा, युग को भी मेरे ऊपर गर्व महसूस होगा, और उसका हॉस्टल में ही रहना ठीक होगा, यहाँ ग्रेवयार्ड कोठी में उसकी जान को खतरा है। विराट हैरानी के साथ पूछता है, क्या कहा चाचा जी आपने, युग की जान को खतरा है, पर किससे? बताइए आप, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, आखिर किसकी इतनी मजाल जो मेरे छोटे भाई को सताए? अनुराग अपने आसपास देखते हुए आहिस्ते से कहता है, यक्षिणी से विराट, मेरे बेटे युग को यक्षिणी से बहुत खतरा है। विराट चीखते हुए कहता है, क्या कहा आपने चाचा जी, यक्षिणी से? अनुराग विराट के मुंह पर उंगली रखते हुए कहता है, धीरे बोलो विराट, अगर उसने सुन लिया तो बहुत बुरा होगा, वो तुम्हें भी अपना शिकार बना सकती है, उसे बहुत गुस्सा आता है, यक्षिणी का गुस्सा मतलब तुम्हारी मौत। विराट हंसते हुए कहता है, क्या चाचा जी आप भी ना अच्छा मजाक करते हैं, लगता है आप अपनी कहानी में कुछ ज्यादा ही घुस गए हैं, जो यक्षिणी को हकीकत मानने लगे हैं, यक्षिणी बस आपकी कहानी है और कुछ नहीं। अनुराग विराट को घूरते हुए कहता है, ये कोई मेरी कहानी नहीं है, इस कहानी के बारे में तो खुद मुझे यहाँ पर आने के बाद पता चला है। विराट एक घूंट अपने गले से नीचे उतारते हुए कहता है, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि यक्षिणी सच में होती है, ये कोई अफवाह नहीं है? अनुराग झट से कहता है, हाँ विराट, यक्षिणी सच में होती है, इतनी खूबसूरत कि कोई भी उसकी खूबसूरती के जाल में फंस कर अपने आप को उसके हवाले छोड़ दे, ये जानते हुए भी कि यक्षिणी के साथ संभोग करने के बाद वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। यक्षिणी का रूप होता ही इतना सौंदर्यपूर्ण है कि हर मर्द की कामवासना उसे देखते ही जाग जाती है। विराट हिचकिचाते हुए कहता है, चाचा जी आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे आपने यक्षिणी को साक्षात देखा है। इतना कहकर विराट ठहाके लगाने लग जाता है। विराट को हंसता हुआ देखकर अनुराग धीरे से कहता है, मैंने देखा है या नहीं देखा है ये छोड़ो, ये बताओ तुम्हें यक्षिणी को देखना है क्या? विराट झट से मजाक में कहता है, हाँ क्यों नहीं चाचा जी, पहले तो मैं यक्षिणी को बिल्कुल नहीं देखना चाहता था, पर आपने मेरे सामने यक्षिणी की इतनी तारीफ कर दी है कि अब मैं भी उस यक्षिणी को अपनी जिंदगी में एक बार तो देखना चाहता हूँ, आखिर मैं भी तो देखूँ कौन है वो डायन जो मर्दों के अंदर की वासना को जगा देती है।
अनुराग विराट को टोकते हुए कहता है, सिर्फ मर्दों की नहीं वो औरतों के अंदर की वासना को भी जगा देती है। वो इतनी खूबसूरत होती है कि औरतों का मन भी उसे देखकर मचल जाता है। एक और बात, वो कोई डायन नहीं है बल्कि देवी है देवी। विराट अपनी भवें ऊपर करते हुए कहता है, क्या कहा आपने चाचा जी, देवी? पर गांव वाले तो कहते हैं कि वो एक डायन है। अपनी हवस के लिए वो मर्दों को हर पूर्णिमा और अमावस्या की रात अपना शिकार बनाती रहती है। जिनके बारे में हम जानते नहीं उन्हें बुरा ही समझते हैं। इन गांव वालों को क्या पता यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी कोई डायन नहीं है बल्कि एक देवी है देवी, जो दूसरे लोक से आई थी। बस उसे एक अभिशाप ने बुरा बना दिया। कैसा अभिशाप चाचा जी? अनुराग विराट के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, यक्षिणी का अभिशाप यह है कि... अनुराग ने इतना कहा ही था कि तभी उसके टाइपराइटर के बटन अपने आप दबने लग जाती हैं। टाइपराइटर को अपने आप टाइप होते हुए देख अनुराग चुप हो जाता है। विराट भी टाइपराइटर को देखकर शॉक्ड हो गया था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अनुराग झट से टाइपराइटर के पास जाता है और जैसे ही उस टाइपराइटर को हाथ लगाता है उसके बटने अपने आप रुक जाती हैं। अब वो टाइप नहीं हो रही थी। अनुराग टाइपराइटर को देखते हुए कहता है, इस टाइपराइटर को ना किसी को दिखाना पड़ेगा, पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी से अपने आप इसके बटन दबने लग जाती हैं और मेरे हाथ लगाते ही ठीक हो जाता है। विराट कुछ नहीं कहता है, वो भी बस टाइपराइटर को देखते रहता है। कुछ देर बाद विराट फिर अनुराग से पूछता है, चाचा जी आपने बताया नहीं यक्षिणी को क्या अभिशाप मिला था? अनुराग बात को पलटते हुए कहता है, यक्षिणी के अभिशाप को छोड़ो विराट, वो तो तुम्हें मेरी किताब पढ़कर पता चल जाएगा। ये बताओ क्या तुम सच में यक्षिणी से मिलना चाहते हो? विराट समझ जाता है कि अनुराग उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो भी झट से बोल देता है, हाँ चाचा जी मिलना चाहता हूँ। अनुराग पहली बार गंभीर लहजे में कहता है, सोच लो विराट, यक्षिणी से मिलने के बाद तुम्हारी मौत निश्चित है। ऊपर पहुंचकर मुझे बद्दुआएं मत देना, अपनी मौत का इल्जाम मुझ पर मत लगा देना, क्योंकि तुम खुद अपनी मौत के नजदीक जा रहे हो। विराट को अब यकीन हो जाता है कि अनुराग सच में उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो हंसते हुए कहता है, हाँ चाचा जी नहीं लगाऊंगा अपनी मौत का इल्जाम आप पर। आप तो ये बताइए कि ये यक्षिणी कहाँ पर मिलेगी? सुना है ये ग्रेवयार्ड कोठी उस यक्षिणी का दूसरा ठिकाना है, तो क्या वो यहीं पर मिलेगी? नहीं, वो आज रात यहाँ पर नहीं मिलेगी, वो तुम्हें किश्नोई नदी के पास मिलेगी, वहीं पर भटक रही होगी वो। आज रात तो अमावस्या भी है, उसे तो अपना शिकार चाहिए ही होगा। देखना विराट, कहीं वो तुम्हें अपना शिकार ना बना ले। विराट पहले मन ही मन सोचता है, यक्षिणी होगी तो मिलेगी ना। लगता है चाचा जी को सिगरेट कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है, कहीं इन्होंने सिगरेट की जगह गांजा वांजा तो नहीं फूंक लिया? हाँ जरूर वही फूंका होगा, तभी ऐसी बातें कर रहे हैं। विराट अनुराग से कहता है, चाचा जी आपने मेरे सामने यक्षिणी की इतनी तारीफ कर दी है ना कि अब अगर मैं उसका शिकार भी बन जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं, मैं तो जा रहा हूं उससे मिलने। इतना कहकर विराट अनुराग के रूम से बाहर निकलने लग जाता है। तभी अनुराग उसे रोकते हुए कहता है, अरे विराट दो मिनट, तुम जिस काम से आए थे वो तो तुमने मुझे बताया ही नहीं। विराट वापस से कमरे के अंदर आते हुए कहता है, हाँ चाचा जी इस यक्षिणी के कारण तो मैं भूल ही गया था। अनुराग झट से कहता है, यक्षिणी होती इतनी खूबसूरत है कि वो सब कुछ भुला देती है। विराट हिचकिचाते हुए अपनी फाइल खोलता है और विराट को दिखाते हुए कहता है, चाचा जी मुझे आपके साइन चाहिए थे इन कागजातों पर। अनुराग विराट के हाथों से वो फाइल ले लेता है और उसे अपने टेबल पर रख देता है। अनुराग टेबल पर ही रखा अपना पेन उठाता है और उससे उन कागजातों पर साइन करने लग जाता है। अनुराग बिना पढ़े उन कागजातों पर साइन करने जा रहा था, जिसे देखकर विराट को बहुत हैरानी हो रही थी। अनुराग कागजातों पर लगातार साइन करते ही जा रहा था कि तभी विराट उसे बीच में ही टोकते हुए कहता है, ये क्या चाचा जी, आप पहले पढ़ तो लीजिए कि इसमें लिखा क्या है, आप तो बिना पढ़े साइन किए जा रहे हैं। अनुराग मुस्कुराते हुए कहता है, इसमें पढ़ना क्या है विराट, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दोगे। इतना कहकर अनुराग वापस से कागजातों पर साइन करने लग जाता है। अनुराग आखिरी पेज पर पहुंचा ही था कि तभी उसमें वो कुछ पढ़ लेता है और उस कागज पर साइन नहीं करता है। अनुराग विराट से कहता है, विराट मैं इस कागज पर साइन नहीं कर सकता। विराट अनुराग से वो फाइल लेता है और उस कागज को देखते हुए पूछता है, पर क्यों चाचा जी, आपने सारे कागजातों पर साइन कर दिए फिर इस पर क्यों नहीं? अगर मैंने इस कागज पर साइन कर दिया तो मेरा सब कुछ मुझसे छिन जाएगा। मैं कुछ समझा नहीं चाचा जी, आपका तो पहले ही सब कुछ छिन चुका है ना। नहीं विराट, मेरे लिए ये ग्रेवयार्ड कोठी ही मेरा सब कुछ है, मैं इसे किसी को नहीं दे सकता। अगर मैंने ये किसी को दे दी तो फिर मैं कहानियां नहीं लिख पाऊंगा, मेरे कहानी लिखने के लिए ये ग्रेवयार्ड कोठी बहुत जरूरी है। विराट को अभी भी अनुराग की बात समझ में नहीं आ रही थी, पर वो मन ही मन सोचता है, सारे कागजातों पर तो साइन हो ही चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि अगर एक कागज पर साइन नहीं हुए तो इससे रजनी मामी को कुछ फर्क पड़ेगा। विराट अनुराग से नर्म लहजे के साथ कहता है, ठीक है चाचा जी,
अगर आप इस कागज पर साइन नहीं करना चाहते तो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। आपने बाकी सब कागजातों पर साइन कर दिए, मेरे लिए वही बहुत है। अच्छा मैं निकलता हूँ, घर पर वंदना मेरा इंतजार कर रही होगी। अनुराग विराट के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, विराट तुम मेरे बेटे की तरह हो और मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, इसलिए मैं तुमसे एक और बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हारा आज रात जाना जरूरी है? मेरी बात मानो तो आज रात यहीं पर रुक जाओ। यक्षिणी सच में किश्नोई नदी के पास ही भटक रही है। चाचा जी अगर यक्षिणी मेरा इंतजार कर रही है तो करने दीजिए, मैंने कहा ना आपसे कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। एक और बात, मेरा घर जाना भी बहुत जरूरी है, शायद आप भूल रहे हैं आज मेरी शादी की सालगिरह है। अनुराग अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे मैं तो भूल ही गया था, तुमको और वंदना को शादी की सालगिरह मुबारक हो। अनुराग हंसते हुए कहता है, पर देखना कहीं ये सालगिरह तुम यक्षिणी के साथ ना मनाने लग जाओ। विराट शर्माते हुए कहता है, क्या चाचा जी आप भी ना, अच्छा मैं जाता हूँ, वंदना मेरा इंतजार कर रही होगी। इतना कहकर विराट कागजातों की फाइल लेकर वहां से चला जाता है। जैसे ही विराट कमरे के बाहर कदम रखता है, रजनी और अमोदिता की आंखें अपने आप खुल जाती हैं और वो वापस से प्रेजेंट में आ जाती हैं। वो दोनों अपने आप को तहखाने के अंदर पाते हैं। रजनी गुस्से से कर्ण पिशाचनी से बोलती है, कर्ण पिशाचनी दिखा दिया तूने जो तुझे दिखाना था, अब बता मैं कैसे विराट की मौत की जिम्मेदार हूँ? विराट की मौत का जिम्मेदार तो खुद अनुराग है, क्योंकि उसी ने मौत के मुंह में भेजा था। रजनी की बात सुनकर कर्ण पिशाचनी जोरों से हंसने लग जाती है। ये देखकर रजनी को और गुस्सा आ जाता है। वो फिर गुस्सा करते हुए कर्ण पिशाचनी से बोलती है, बोल कर्ण पिशाचनी हंसती क्या है, तू क्यों मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़का रही है ये बोलकर कि विराट की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ? कर्ण पिशाचनी हंसते हुए कहती है, विराट जिन कागजों को लेकर ग्रेवयार्ड कोठी गया था वो कौन से कागज थे? कर्ण पिशाचनी हंसते हुए कहती है, मैं किसी को तेरे खिलाफ नहीं भड़का रही हूँ, मैं तो वही बोल रही हूँ जो सच है, विराट की मौत की जिम्मेदार तू ही है। याद कर तूने विराट को कौन से कागजों पर साइन कराने के लिए ग्रेवयार्ड कोठी भेजा था। जैसे ही कर्ण पिशाचनी ये बात बोलती है, रजनी घबराने लग जाती है। रजनी कहीं बात को बदल ना दे इसलिए अमोदिता झट से पूछती है, वो कौन से कागज थे कर्ण पिशाचनी जो विराट भैया ग्रेवयार्ड कोठी लेकर गए थे? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। रजनी कहीं बात को ना बदलते इसलिए अमोदिता झट से पूछती है, वो कौन से कागज थे कर्ण पिशाचनी जो विराट भैया ग्रेवयार्ड कोठी लेकर गए थे? रजनी मन ही मन अमोदिता को ताने देती है। इस अमोदिता की बच्ची ने फिर अपना मुंह चलाया, इसे तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बस एक बार ये कर्ण पिशाचनी चली जाए फिर इसकी अच्छे से खबर लूंगी, जितने सवाल पूछने इसे आ रहे हैं ना सब निकाल दूंगी। लगातार सवाल पूछने के कारण रजनी और अमोदिता दोनों को ही अपने शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कर्ण पिशाचनी ने उनके शरीर की सारी ऊर्जा खींच ली थी। अमोदिता फिर कर्ण पिशाचनी से बड़ी ही कमजोरी के साथ पूछती है, बताओ कर्ण पिशाचनी वो किस चीज के कागजात थे जिन पर विराट भैया ने अनुराग फूफा जी से साइन करवाए थे? कर्ण पिशाचनी की आवाज सुनाई देती है, वो जायदाद के कागज थे जो अनुराग के नाम थी, अनुराग ने अपनी सारी जायदाद विराट के नाम कर दी थी। अमोदिता फिर कर्ण पिशाचनी से पूछती है, क्या कहा? अनुराग फूफा जी ने अपनी सारी जायदाद विराट भैया के नाम पर कर दी थी, पर क्यों? जैसे ही अमोदिता ये सवाल पूछती है, अमोदिता और रजनी को यह एहसास होता है कि जैसे कोई उनके कान से खून पी रहा हो। उनके कान से खून की बूंदें निकलनी शुरू हो गई थी। कर्ण पिशाचनी का जवाब आता है, क्योंकि ये सब रजनी ने विराट को करने को बोला था। पहले रजनी अनुराग की सारी जायदाद विराट के नाम कराती, फिर विराट से अपने नाम। इससे अनुराग को कभी रजनी पर शक नहीं होता, वो तो यही समझता कि उसकी जायदाद उसने विराट के नाम की है। बड़ी चालाक है तेरी माँ। इतना कहकर कर्ण पिशाचनी जोर जोर से हंसने लग जाती है। अमोदिता अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहती है, माँ आपने ऐसा क्यों किया? ना ही आप विराट भैया को अमावस्या की रात ग्रेवयार्ड कोठी भेजती, ना ही उनकी मौत होती। कर्ण पिशाचनी ठीक कह रही है, विराट भैया की मौत की जिम्मेदार आप ही हैं। अमोदिता की ये बात सुनकर रजनी के दिल को ठेस पहुंचती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रजनी रोते हुए कहती है, अमोदिता बेटा तू भी मुझे गलत समझ रही है, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं, ये सब मैंने तेरे लिए किया है,
तू ही बता भला पूरी जायदाद में अपने नाम करा के क्या करती। ये सब मैं तेरी शादी के लिए तो कर रही थी। हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर तेरी शादी में लड़के वाले दहेज मांगते तो मैं लड़के वालों को क्या देती। अमोदिता गुस्से से कहती है, शादी शादी शादी, माँ तुमको मेरी शादी के सिवा कुछ भी सोचता है या नहीं? जब देखो मेरी शादी कराने के पीछे पड़ी रहती हो। अगर मैं तुम पर इतना ही बोझ थी तो तुम्हें मुझे तभी मार देना चाहिए था जब मैं पैदा हुई थी। अमोदिता जैसे ही ये बात बोलती है, रजनी को पहली बार ये एहसास होता है कि आज तक उसने जो भी किया था बहुत गलत किया था। रजनी और अमोदिता दोनों ही चुप हो गए थे। उन दोनों की आंखें नम थी। कर्ण पिशाचनी की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, अमोदिता क्या तू ये नहीं जानना चाहती कि वो कौन से कागजात थे जिस पर अनुराग ने साइन करने से मना कर दिया था? रजनी अमोदिता को मना करते हुए कहती है, अमोदिता नहीं, अब इससे कुछ मत पूछना। ये हमें मारना चाहती है, देख हमारे कानों से खून निकलने लग गया है। अगर ऐसे ही हम इससे सवाल पूछते रहे तो हम नहीं बचने वाले कि हमें मार देगी। इतना कहकर रजनी अपने कान पर हाथ लगाती है, उसके हाथों में भी खून लग जाता है। अमोदिता को पता नहीं क्या हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे वो कर्ण पिशाचनी के वश में हो गई थी। उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे जिसके जवाब वो जानना चाहती थी। रजनी के मना करने के बावजूद भी अमोदिता कर्ण पिशाचनी से सवाल पूछ लेती है, हाँ कर्ण पिशाचनी मुझे बताओ, अनुराग फूफा जी ने कौन से कागजात पर साइन नहीं किए थे? कर्ण पिशाचनी अमोदिता के सवाल का जवाब देने लग जाती है। जैसे जैसे कर्ण पिशाचनी जवाब देती जा रही थी, अमोदिता और रजनी को दर्द का एहसास होते जा रहा था। कर्ण पिशाचनी अमोदिता के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, ग्रेवयार्ड कोठी के कागजातों पर। अनुराग ने उन कागजों पर साइन नहीं किए थे क्योंकि ग्रेवयार्ड कोठी को वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। उसकी कहानियों की ताकत उसी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर थी। अमोदिता के कान में बहुत तेज दर्द होने लग जाता है। वो दर्द से कराहने लगती है, आह मेरा कान माँ। रजनी अमोदिता पर गुस्सा करते हुए कहती है, मैंने कहा था ना इससे कुछ मत पूछना, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। ये सब उसी का नतीजा है। अब इससे कुछ मत पूछना समझी तू? इसे वापस भेजने का इंतजाम करती हूँ मैं। रजनी की बात सुनकर कर्ण पिशाचनी जोरों से हंसने लग जाती है। कर्ण पिशाचनी की आवाज तहखाने में गूंजने लग गई थी। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि जिसे सुनकर अमोदिता और रजनी दोनों के मन में खौफ पैदा हो गया था। अमोदिता एकदम चुप हो जाती है और एकटक नजर से दीपक को देखने लग जाती है ताकि वो कुछ सोच ना पाए। अमोदिता रजनी से पूछती है, माँ ये तुम क्या कर रही हो? ये कोई किताब पढ़ने का वक्त है क्या? रजनी कुछ जवाब दे पाती उससे पहले ही कर्ण पिशाचनी अपनी डरावनी आवाज में कहती है, अमोदिता तेरी माँ मुझे वापस भेजने के लिए मंत्र ढूंढ रही है। तेरी माँ को कर्ण पिशाचनी को बुलाने का तो मंत्र पता था, पर उसे वापस भेजने का नहीं। अमोदिता डरते हुए रजनी की तरफ देखते हुए कहती है, माँ ये कर्ण पिशाचनी क्या बोल रही है? क्या तुम्हें नहीं पता कर्ण पिशाचनी को वापस कैसे भेजना है? कर्ण पिशाचनी की हंसते हुए आवाज सुनाई देती है, मैंने इस सवाल का जवाब दिया ना, अमोदिता तेरी माँ को नहीं पता कि मुझे वापस कैसे भेजना है। कर्ण पिशाचनी कभी झूठ नहीं बोलती। रजनी के कानों में दर्द होने लग जाता है और वो दर्द से कराहते हुए कहती है, आह मेरा कान। अरे नालायक लड़की, मैंने कहा ना तुझसे इससे कुछ मत पूछ, ये सब इसकी चाल है। ये हमारा खून पीने के लिए ये बस कर रही है। अब चुप रहना वरना ये हमारी जान ले लेगी। अमोदिता घबराते हुए कहती है, कुछ करो माँ, जल्दी कुछ करो, मुझे डर लग रहा है। रजनी अमोदिता को दिलासा देते हुए कहती है, तू घबरा मत, मैंने कहा ना मैं करती हूँ कुछ इस कर्ण पिशाचनी का। इतना कहकर रजनी जल्दी जल्दी किताब के पेज पलटने लग जाती है। कर्ण पिशाचनी फिर कहती है, अमोदिता तुझे पता है तेरी माँ कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि वो तेरी तरह नालायक है। तेरी तरह नहीं, तुझसे भी कहीं ज्यादा नालायक है। तुम्हें क्या लगा था कर्ण पिशाचनी इतनी आसानी से चली जाएगी? कर्ण पिशाचनी आई है तो कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाएगी। रजनी कर्ण पिशाचनी की बात का कुछ जवाब नहीं देती है। वो लगातार बस किताब के पेज पलटते जा रही थी। अमोदिता का तो सिर घूमने लग गया था। वो अपने शरीर में बहुत कमजोरी महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो जल्द ही बेहोश होने वाली थी। कर्ण पिशाचनी चीखते हुए कहती है, पूछो पूछो सवाल पूछो। कर्ण पिशाचनी से अपने मन के ख्याल पूछो, पूछो पूछो सवाल पूछो। यही आवाज तहखाने में गूंजने लग गई थी। अमोदिता और रजनी के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। रजनी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कई कोशिश करने के बावजूद उसे कर्ण पिशाचनी को वापस भेजने का मंत्र नहीं मिल पा रहा था। कर्ण पिशाचनी ने रजनी के दिमाग को इतना कमजोर कर दिया था कि वो इतना भी दिमाग नहीं लगा पा रही थी
कि कर्ण पिशाचनी से खुद पूछ ले कि उसको वापस कैसे भेजना है। वो खुद अपने जाने का रास्ता बता देगी। कर्ण पिशाचनी बड़ी ही चालाकी के साथ अमोदिता से पूछती है, अमोदिता क्या तुम मुझसे कुछ नहीं पूछना चाहती? तेरे मन के सारे सवाल खत्म हो गए? पर ऐसा कैसे हो सकता है? इंसान के अंदर के सवाल कभी खत्म नहीं हो सकते जब तक उसका जीवन खत्म नहीं हो जाता। पूछ अमोदिता, पूछ। कर्ण पिशाचनी से अपने मन के सवाल पूछ। क्या तू नहीं जानना चाहती मेले के अंदर वो लड़की कौन थी जिसके साथ युग बड़े प्यार से डांस कर रहा था? बोल अमोदिता, क्या तू उस लड़की के बारे में नहीं जानना चाहती है? कर्ण पिशाचनी अमोदिता के दिमाग पर दबाव बनाने लग जाती है। अमोदिता का मन तो कर रहा था उस लड़की के बारे में जानने का, पर वो जानती थी यदि अब उसने कर्ण पिशाचनी से कुछ भी पूछा तो उसकी मौत निश्चित है। कर्ण पिशाचनी उसके शरीर का आधे से ज्यादा खून पी चुकी थी। उसके दोनों कान खून से लथपथ हो गए थे। कर्ण पिशाचनी की उसको आवाज सुनाई ना दे इसलिए अमोदिता अपने दोनों हाथों से अपने कानों को बंद कर लेती है। कर्ण पिशाचनी समझ जाती है कि अमोदिता उसके जाल में नहीं फंसने वाली, इसलिए वो रजनी को अपनी बातों में बहकाते हुए कहती है, रजनी क्या तुझे मुझसे कुछ नहीं पूछना है? अरे रजनी, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या तुझे मुझसे कुछ नहीं पूछना? क्या तू नहीं जानना चाहती कि यक्षिणी और वंदना का आपस में क्या संबंध है? कैसे वंदना को पता चल जाता है कि यक्षिणी क्या करने वाली है या फिर क्या कर चुकी है? कर्ण पिशाचनी की बात सुनकर रजनी किताब के पेज पलटाने बंद कर देती है। वो रुक जाती है। वो मन ही मन सोचने लग जाती है, मुझे यही तो इससे पूछना था और इससे यही पूछा था मैंने, पर इसने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया, उल्टा मेरे ही राज खोलने लग गई थी। कर्ण पिशाचनी की आवाज आती है, वही तो रजनी, क्या तू नहीं जानना चाहती वंदना और यक्षिणी में क्या संबंध है? रजनी कर्ण पिशाचनी की बातों में आने लग गई थी और अमोदिता ये बात समझ जाती है। वो रजनी को मना करते हुए कहती है, नहीं माँ, तुम इस कर्ण पिशाचनी से कुछ मत पूछना कि अब तुम्हें फंसा रही है, कि इसकी एक चाल है। अमोदिता के मना करने के बावजूद रजनी उसकी बात नहीं सुनती है और कर्ण पिशाचनी से सवाल पूछ बैठती है। हाँ कर्ण पिशाचनी, बताओ मुझे वंदना और यक्षिणी का आपस में क्या संबंध है? जैसे ही रजनी ये बात बोलती है कर्ण पिशाचनी जोरों से हंसने लग जाती है और हंसते हुए ही कहती है, जवाब देने से पहले मैं तुम दोनों का थोड़ा सा खून तो पी लूं। कर्ण पिशाचनी के इतना कहते ही रजनी और अमोदिता दोनों के कानों से अपने आप खून निकलने लग जाता है। एक तेज धारा के साथ उनके कान से खून निकलने लग गया था। वो खून कान से ही निकलकर कहीं गायब हो रहा था जिसे कर्ण पिशाचनी अदृश्य होकर पिए जा रही थी। अमोदिता और रजनी दोनों दर्द से कराहने लग जाती हैं। आह, कुछ घूंट खून की पीने के बाद कर्ण पिशाचनी कहती है, रजनी तू जानना चाहती है ना कि वंदना और यक्षिणी का आपस में क्या संबंध है? रजनी झट से कहती है, हाँ बताओ मुझे कर्ण पिशाचनी। कर्ण पिशाचनी फुसफुसाते हुए कहती है, तो सुन, जब यक्षिणी ने विराट को अपना शिकार बनाया था तो उसकी मौत के एक हफ्ते बाद वंदना ग्रेवयार्ड कोठी गई थी। रजनी चिढ़ते हुए कहती है, हाँ ये बात पता है मुझे, विराट की मौत के बाद ही थोड़ी वंदना पागल हो गई थी, दिन रात विराट का नाम भी बड़बड़ाती रहती थी। एक हफ्ते बाद जब वो ग्रेवयार्ड कोठी गई तो वहीं पर जाकर तो वो पूरी पागल हो गई थी। जब फिर वो वहां से लौट कर आई तब से एक ही रट लगाते जा रही थी, मैंने सब कुछ देख लिया। पता नहीं उसने वहां पर ऐसा क्या देख लिया था। कर्ण पिशाचनी की आवाज सुनाई देती है, वही तो रजनी, वंदना ने वो देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। उस चीज के कारण यक्षिणी और वंदना के बीच में संबंध स्थापित हुआ है। रजनी अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है, ऐसा क्या देख लिया था कर्ण पिशाचनी वंदना ने ग्रेवयार्ड कोठी में? कर्ण पिशाचनी रजनी के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर वंदना ने लेखक बाबू यानी कि अनुराग को। कर्ण पिशाचनी इसके आगे कुछ कहने वाली थी कि तभी अमोदिता देखती है कि उसके साइड में बेहोश पड़ी वंदना का हाथ अपने आप हिलने लग गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो होश में आ रही थी। वंदना बेहोशी में ही अपना हाथ यहाँ से वहां करती है जिस कारण कब्रिस्तान से जो पत्थर लाया गया था उसके ऊपर जो दीपक जल रहा था उस पर हाथ पड़ जाता है और वो दीपक नीचे गिरकर बुझ जाता है। जैसे ही वो दीपक बुझता है कर्ण पिशाचनी की आवाज आनी बंद हो जाती है। दीपक के बुझते ही वंदना वापस से बेहोश हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वंदना उस दीपक को बुझाने के लिए होश में आई थी। दीपक के बुझते ही तहखाने में जो मशाल बुझ गई थी वो वापस से जल जाती है। रजनी का दीपक पर ध्यान नहीं था। वो हैरानी के साथ कहती है, कर्ण पिशाचनी तुम चुप क्यों हो गई, मेरे सवालों का जवाब दो। अमोदिता दीपक की तरफ इशारा करते हुए कहती है, माँ दीपक बुझ गया। रजनी बुझे हुए दीपक को देखते हुए कहती है, दीपक बुझ गया मतलब कर्ण पिशाचनी चली गई? अमोदिता अपने आसपास देखते हुए आहिस्ते से कहती है, माँ कर्ण पिशाचनी सच में चली गई ना? हाँ वो चली तो गई पर ये क्या, उसने तो मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। अमोदिता रजनी को टोकते हुए कहती है, माँ तुम तो शुक्रिया अदा करो वंदना भाभी का, उन्होंने बेहोशी में ही अपना हाथ मारकर दीपक बुझा दिया,
वरना जवाब देते देते कर्ण पिशाचनी हमारे शरीर का सारा खून पी जाती। आधा तो पहले पी ही चुकी है, मेरे तो अभी भी कान दर्द हो रहे हैं। रजनी अपने कान को छूते हुए कहती है, कान तो मेरे भी दर्द हो रहे हैं अमोदिता, चल अच्छा ही हुआ जो वो चली गई, इस वंदना और यक्षिणी का संबंध किसी दूसरी साधना से पता कर लेंगे। अमोदिता डरते हुए कहती है, नहीं माँ, अब और कोई साधना नहीं। रजनी कहती है, अरे तू डर क्यों रही है, मैंने कहा तो था ये साधनाएं करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये तो बस एक था, मैंने तो इससे बड़े बड़े खौफनाक मंजर देखे हैं। रजनी वंदना को देखते हुए कहती है, चल इस वंदना को उठा, इसे इसके कमरे तक भी पहुंचाना है वरना सुबह दिक्कत हो जाएगी। रजनी और अमोदिता वंदना को उठाकर तहखाने से बाहर ले जाने लग जाते हैं। सुबह हो गई थी और सुबह के 9 बज रहे थे। युग अपने कमरे में आराम से सो रहा था, ग्रेवयार्ड कोठी में उसके सिवा और कोई नहीं था। उसके दोस्त अभी तक नहीं आए थे, रात भर टाइपराइटर अपने आप चलता रहा था, पर युग को इस बात की कुछ भनक तक नहीं थी क्योंकि वो गहरी नींद में सो रहा था जिसमें वो यामिनी के ख्वाबों में खोया हुआ था। युग सो ही रहा था कि तभी उसके कान में एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, युग उठो कहानी तैयार है, युग उठो कहानी तैयार है। युग के कान में बार बार ये आवाज सुनाई देने लग जाती है जिसके कारण उसकी नींद टूटने लग जाती है। वो अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोलते हुए उठता है तो देखता है कि सूरज निकल चुका था और उसकी किरणें कमरे में बनी खिड़की से सीधे कमरे के अंदर आ रही थी। खिड़की जहां पर टेबल रखा हुआ था उसके ठीक ऊपर बनी हुई थी। टेबल के ऊपर ही टाइपराइटर और कई सारे खुले पेज रखे हुए थे जिस पर युग ने स्टार्टअप के प्लान के बारे में लिखा हुआ था। युग जैसे ही उठता है उसे फिर से फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, युग उठो कहानी तैयार है, युग उठो कहानी तैयार है। युग अपने कान में उंगली डालते हुए खुद से कहता है, अरे ये कैसी आवाज थी, कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे। युग अभी उठा ही था कि तभी खिड़की से ठंडी ठंडी हवाएं कमरे के अंदर आने लग जाती हैं। हवाएं इतनी तेजी के साथ कमरे के अंदर आ रही थी कि टेबल पर रखे सारे कागज हवा में यहाँ से वहां उड़ने लग जाते हैं। युग उन कागजों को देखते हुए कहता है, अरे ये क्या हो रहा है, अगर मेरे स्टार्टअप का एक भी कागज यहाँ से वहां हो गया तो सारा स्टार्टअप पर किया मेहनत बेकार हो जाएगा। इतना कहकर युग जल्दी से बिस्तर से उठता है और फटाक से खिड़की बंद कर देता है और सारे कागजों को इकट्ठा करने लगता है। कुछ ही देर में युग उन सारे कागजों को इकट्ठा कर लेता है और उन कागजों को वापस से सीरीज वाइज जमाने लग जाता है। युग उन कागजों को जमा ही रहा था कि तभी उसकी नजर उन कागजों में से एक कागज पर पड़ती है जो कि उसने नहीं लिखी थी। उस कागज पर हिंदी में टाइपराइटर से टाइप किया हुआ था। युग उस कागज को देखते हुए कहता है, अरे ये कागज इन कागजों के बीच कहां से आ गया, ये तो टाइप किया हुआ लगता है पर इसे टाइप किया किसने और ये मेरे कागजों के बीच कहां से आ गया। युग उस कागज की हेडिंग पढ़ते हुए कहता है, अष्टमी का शिकार। युग खुद से कहता है, ये कैसी हेडिंग हुई और अष्टमी का शिकार और इसका मतलब। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।